Dear students, welcome in the next part of Atomic Structure Lecture Series. तो यहाँ पर मैं आपका स्वागत करूंगी Atomic Structure के next lecture यानी part 5 को हम discuss करेंगे और that is quantum numbers. In the previous lecture we had discussed about the Schrödinger wave equation and from that equation we came to know that the solutions of Schrödinger wave equation, they gives rise to certain quantum numbers. तो Schrödinger wave equation के बारे में हमने इससे पहले जानकारी ली थी इससे पहले के लेक्चर में पार्ट फोर में और वहां पर आपने देखा कि कैसे Schrödinger wave equation से क्वांटम नंबर्स डराइव होती हैं और वो क्वांटम नंबर्स जो थे वो थे n, l एंड m. तीन क्वांटम नंबर्स आपने देखे थे कि अगर हमने Schrödinger वेव इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अगर राइट किया था तो वहां से तीन क्वांटम नंबर थ्री क्वांटम नंबर्स n, l एंड m दे कैन बी ड्राइव्ड. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी क्वांटम नंबर्स. तो इस लेक्चर में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में जानेंगे. इफ वी सी द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर, क्या एम है इस लेक्चर के, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आएगा. सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर यू विल बी एबल टू लर्न फोर क्वांटम नंबर्स दैट डिस्क्राइब्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. तो यहां पर आप देखेंगे कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको क्या जानकारी मिलेगी, आपको पता चल जाएंगे कि फोर क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं और ये जो क्वांटम नंबर्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन का एक एटम में कंप्लीट पता एड्रेस बताते हैं. पहले हम देखेंगे किस तरीके से ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं इन एन एटम. तो ये मान लीजिए अगर हम देखें ये दो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई है, इस बिल्डिंग का मतलब मान लीजिए कि एक सोसाइटी है. इस सोसाइटी में मुझे एक पर्टिकुलर एक्स का एड्रेस चाहिए कि एक्स पर्सन इस सोसाइटी में कहाँ रहता है. तो मान लीजिए दो बिल्डिंग्स हैं उस सोसाइटी में, अब इस बिल्डिंग में है या वो इस बिल्डिंग में रहता है. नंबर वन पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि कोई एक्स पर्सन है वो इस बिल्डिंग में रहता है या इस बिल्डिंग में रहता है, तो ये एक एड्रेस है. देन अब मान लीजिए वो इस बिल्डिंग में रहता है तो आप देखिए इसमें कितनी मंजिलें हैं, एक मंजिल, दो, थ्री. सो देर आर मेनी फ्लोर्स इन दिस बिल्डिंग. इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर हैं. तो अब इस बिल्डिंग में वो पर्सन कौन से फ्लोर में रहता है, तो अगर मुझे एड्रेस चाहिए तो मुझे उसका फ्लोर भी चाहिए. पहला मुझे चाहिए कि वो इस बिल्डिंग में है या इस बिल्डिंग में है. फिर मुझे चाहिए अगर वो इस बिल्डिंग में है तो वो किस फ्लोर में है. तीसरा मुझे चाहिए कि अब मुझे फ्लोर पता चल गया, मान लीजिए इस फ्लोर में वो एड्रेस है. अब इसमें आप देखिए रूम्स हैं, ये मान लीजिए थ्री रूम्स हैं, तो अब इन तीनों रूम्स में से किस रूम में मैं उस पर्सन को ढूंढूं. ओके, तो ये एड्रेस होगा तो मुझे एक पर्टिकुलर रूम पता चल जाएगा कि किस रूम में वो पर्सन है. तो ये एड्रेस है एक एक्स पर्सन का. इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है, उसके लिए सबसे पहले मुझे सर्च करना होगा कि वो कौन से शेल में है, व्हाट इज द शेल. तो शेल को हम डिनोट कर सकते हैं कि ये सोसाइटी में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उसमें से कौन सी बिल्डिंग में, यानी कौन से शेल में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मान लीजिए बिल्डिंग शेल है तो कौन से शेल में वो इलेक्ट्रॉन है. अब शेल के अंदर क्या होगा, सब शेल. तो शेल के अंदर होगा सब शेल, तो कौन से सब शेल में, शेल के कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, यानी इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर में एक्स है. और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सब शेल के अंदर भी क्या है, ऑर्बिटल्स है. तो अब ये मान लीजिए डी ऑर्बिटल है, तो इस डी ऑर्बिटल के कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, क्या इस वाले में है या इस वाले में है या इसमें है या इसमें है या इसमें. सो कंप्लीट एड्रेस इलेक्ट्रॉन का मिल रहा है, जैसे यहां पर हमको पर्सन का एड्रेस मिल रहा है कि वो कौन से रूम में प्रेजेंट है. तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का एक एटम में पता लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से शेल में है,
कौन से सबशेल में, कौन से ऑर्बिटल में, ये पता कौन बताएगा? सो वी हैव टू जस्ट फर्स्ट कंसीडर इन विच सेल, इन विच सबशेल, इन विच ऑर्बिटल एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. सो दिस इज डिनोटेड बाय सम क्वांटम नंबर्स दैट आर एन एल एम. ओके, तो तीन मेन क्वांटम नंबर ऐसे हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन का पता बताते हैं. अब एक और क्वांटम नंबर है जो कि एस है, स्मॉल एस, और वो क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है. तो जैसे हम कहेंगे कि रूम के अंदर वो पर्सन इस रूम में भी किस पर्टिकुलर जगह पर है, किस ओर वो चल रहा है, ऐसे ही हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिटल में उसकी स्पिन क्या है. तो दिस एक्चुअली द क्वांटम नंबर्स गिव्स एन आइडिया अबाउट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. तो ये क्या बताते हैं, क्वांटम नंबर्स हमें बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एटम में किस जगह पर प्रेजेंट है. तो अगर हम क्वांटम नंबर्स को देखें तो ये मैंने आपको बता दिया है कि द सॉल्यूशंस ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फर्निश अ सेट ऑफ थ्री क्वांटम नंबर्स एन एल एंड एम. आपने देखा पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू हम अगर उस इक्वेशन को लिखें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, तो हमको तीन क्वांटम नंबर्स पता लगते हैं विच कैन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इवन इन मोर कॉम्प्लिकेटेड मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी हेल्प से हम जो क्वांटम नंबर है उनकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है. हाइड्रोजन सिंपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसको छोड़कर बाकी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स को के बारे में भी हम एक क्वांटम नंबर की हेल्प से बता सकते हैं कि कहाँ पर ये प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स. एन जो कि एनर्जी को बताता है, एंगुलर मोमेंटम को बताता है एल, मैग्नेटिक मोमेंट को बताता है एम, और एम एल, एंड स्पिन को बताता है एम एस. तो ये चार क्वांटम नंबर हैं जिसमें से कि एन एनर्जी को बताता है, एल एंगुलर मोमेंटम को बताता है इलेक्ट्रॉन की, मैग्नेटिक मोमेंट को बताता है एम, एंड स्पिन को बताता है एस. नाउ वी विल डिस्कस द क्वांटम नंबर्स वन बाय वन. तो अब मैं सबसे पहला जो क्वांटम नंबर ले रही हूँ वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एन है ये रिप्रेजेंट करता है शेल को. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है. ओके, और शेल हम किसे कहते हैं, शेल हम कहते हैं वो सारे ऑर्बिटल्स उस शेल के अंदर आते हैं जिनकी एन की वैल्यू सेम होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 1s ऑर्बिटल तो ये एक सेल, अगर मैं कहूँ 2s और 2p दोनों की एन की वैल्यू बराबर है एन. ओके, तो ये जो है ये एक शेल है जिसमें कि दो ऑर्बिटल आए, एक एस आया और एक पी आया, तो ये एक कंप्लीट शेल है. तो शेल में क्या होगा, वो ऑर्बिटल आएंगे जिनके एन की वैल्यू सेम होगी. जैसे मैं अगर कहूं कि 1s ऑर्बिटल, ओके, फिर मैं कहूं कि एक ऐसा शेल है जहां पर दो ऑर्बिटल हैं 2s एंड 2p, या मैं कह सकती हूँ 3s 3p एंड 3d. ओके, फिर मैं कहूं 4s 4p 4d एंड 4f. तो ये क्या है, एक शेल, ये एक शेल है, ये भी एक शेल है, और ये भी एक शेल है, क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं इन सब का एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सेम है. जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, और इन ऑर्बिटल्स में 2 है और इसमें 1 है. तो ये सारे क्या है, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है. तो शेल हम किन्हें कहेंगे कि जिनमें ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट होंगे उनमें एन की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी. अगर आप देखेंगे कि n की वैल्यू इंटीजर वैल्यू होती है और जीरो नहीं होती है, जीरो के अलावा जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो ये n की वैल्यू होती है. और इसके अकॉर्डिंग अगर 1n की वैल्यू होगी तो हम उसे k शेल कहते हैं, अगर 2 होगी तो हम उसे l शेल कहते हैं, अगर 3 होगी तो उसको हम m शेल कहते हैं, अगर 4 होगी तो उसको हम n शेल कहते हैं.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्रॉ करूं ये न्यूक्लियस है, ओके ये अगर मैं इस तरीके से शेल को ड्रॉ करूं तो इस शेल के लिए एन की वैल्यू अगर वन है तो इसको मैं कहूंगी के शेल, ओके इस शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी टू, और ये है एल शेल, और इस शेल के लिए एन की वैल्यू होगी थ्री और ये कहलाएगा एम, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप देखेंगे शेल के लिए अगर ये वैल्यू मैं देखूं तो एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा शेल है। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ सेल। तो ये एक शेल की एनर्जी को बताता है, और एनर्जी अगर आप देखेंगे तो ये है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी माइनस में है, तो आप देखेंगे कि ये एन पर डिपेंड करती है, जो एनर्जी है हर शेल की एन के ऊपर डिपेंड करती है, एन जितना अधिक होगा उतनी अधिक एनर्जी उस शेल की होगी क्योंकि ये नेगेटिवली क्या है को रिलेटेड है, तो जितना ज्यादा एन उतनी ज्यादा एनर्जी। अगर आप देखेंगे कि ये जो एन है ये साइज ऑफ द सेल भी बताता है कि सेल की रेडियस कितनी होगी, और आप देखिए ये जो फॉर्मूला है वो है 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड, जहां पर आप देख रहे हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि रेडियस भी बढ़ेगी और साइज ऑफ द सेल विल इंक्रीज, ओके। और हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, कितने इलेक्ट्रॉन उस शेल में होंगे, और वो होते हैं 2n स्क्वायर। यानी अगर एक शेल का एन की वैल्यू वन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टू, अगर इसकी एन की वैल्यू टू है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता चलते हैं अगर हमें एन पता होगा। सो दीज आर द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन विच कैन फर्निश्ड फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वन इज द शेल कौन सा शेल है, के है एल है एम है या एन है, एंड देन हमको पता लगती है एनर्जी, शेल की एनर्जी कितनी है, हमें पता लग जाएगा साइज क्या है शेल का, और हमें पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर शेल में आ सकते हैं। इफ वी नो द एन, अगर हम एन की वैल्यू जानेंगे तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी बता सकते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और ये क्वांटम नंबर हमें जानकारी देता है अबाउट सब शेल, ये हमें सब शेल के बारे में जानकारी देता है। और सब शेल क्या होते हैं, सब शेल वो होते हैं जहां पर ऑर्बिटल्स की एल की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूंगी एस, एस एक सब शेल है, पी एक सब शेल है, डी एक सब शेल है और एफ एक सब शेल है, क्योंकि एफ की जो एल की वैल्यू होती है वो थ्री होती है, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है दो, तो टू जो है वो पांचों ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी बराबर होगी दो ही होगी, और पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी वन होगी, तीनों ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी वन, और एस के केस में एल की वैल्यू कितनी होगी जीरो। तो सब शेल जो है वो शेल के अंदर है, तो उस सब शेल का जो डिवीजन है वो शेल के अंदर है, और ये क्या होती है जनरली ये जीरो से शुरू होती है और एन माइनस वन तक इसकी वैल्यू होती है। तो अगर हमें एन की वैल्यू पता होगी, अगर हमें ये पता होगा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है, तो उस पर बेस्ड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल, ओके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ एन इज इक्वल टू जीरो, एन तो जीरो होता नहीं है, एन तो वन होता है, तो अगर एन वन है तो एल की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी, और अगर एन की वैल्यू टू है तो एल की वैल्यू कितनी होगी वन। तो हम डिपेंड किस पे कर रही है, एन के ऊपर। तो हमें क्या पता चलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से हमें सब शेल के बारे में जानकारी मिलती है, और हमें ये जानकारी मिलती है कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उसका फॉर्मूला है 2l+1, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। और अगर हमको जानकारी मिल गई कि ऑर्बिटल्स कितने होते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सब शेल में, और अगर हम 2 को 2l+1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक पर्टिकुलर सब शेल में। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूं, मैंने आपसे ये कहा कि इफ n इज इक्वल टू 1, ओके
तो L क्या होगा, L की वैल्यू होती है n माइनस वन, तो L की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ओके, अगर n इज इक्वल टू टू है तो L की वैल्यू कितनी होगी, दो वैल्यू पॉसिबल हैं, जितनी n की वैल्यू पॉसिबल होती हैं उतनी ही, एक तो जीरो होगी और एक क्या होगी, वन होगी। और यहां पर आप देखिए वन है n की वैल्यू, तो यहां पर एक ही L की वैल्यू पॉसिबल है, वो है जीरो। n इज इक्वल टू अगर थ्री है तो L की तीन वैल्यू पॉसिबल है, जितनी वैल्यू किसकी होती है, n की, उतनी ही वैल्यू पॉसिबल होती है, जीरो पॉसिबल है, वन पॉसिबल है, टू पॉसिबल है। ओके, और अगर n की वैल्यू फोर है तो एज सोन दिस इज इक्वल्स टू जीरो, वन, टू एंड थ्री, तो फोर वैल्यूज में भी पॉसिबल। अब देखिए, अगर हमें यह पता है कि l की वैल्यू कितनी है तो हमें क्या पता चल सकता है अबाउट दी सबशेल, कौन सा सबशेल होगा। अगर L की वैल्यू जीरो है तो सबशेल होगा S, अगर वन है तो ये होगा P, अगर L की वैल्यू टू है तो ये होगा D, और अगर थ्री है तो ये होगा F। तो सबशेल क्या होगा, F होगा अगर L की वैल्यू थ्री है। तो हमें L की वैल्यू से क्या पता चलता है, सबशेल के बारे में पता चलता है। जैसे P सबशेल है तो उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, Px, Py एंड Pz। ओके, अगर हम D को देखें तो D सबशेल में पांच D ऑर्बिटल होते हैं, और अगर हम F सबशेल को देखें तो इसमें सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं। तो L की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हमें पता चल जाएगा कि जीरो का मतलब वो S ऑर्बिटल होगा, वन अगर होगी तो इसका मतलब वो P ऑर्बिटल है, अगर टू होगा तो इसका मतलब वो D ऑर्बिटल है, थ्री होगा तो इसका मतलब वो F और F सबशेल है। तो हमें सबशेल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए कि एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मैंने आपसे कहा था, पहले तो कितने ऑर्बिटल होंगे, इफ L इज इक्वल टू जीरो तो इसमें कितने सबशेल होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, 2l प्लस 1, तो कितने होंगे, 1 होगा। ओके, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इंटू 2l प्लस 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इफ l इज इक्वल टू 1 देन कितने ऑर्बिटल उसमें होंगे, 3 ऑर्बिटल उसमें होंगे। ओके, और कितने इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, उसमें होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, पी सबशेल, क्योंकि पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एंड इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और L इज इक्वल टू अगर जीरो है तो ये कौन सा सबशेल है, S, और S एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही उसमें ऑर्बिटल होता है, और वो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें L की हेल्प से क्या जानकारी मिलेगी, नंबर वन जानकारी मिलेगी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड नंबर टू जानकारी मिलेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम M से दिखाते हैं, इसको हम ML से भी शो करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ क्या होता है, अगर हमें L की वैल्यू पता होगी तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस L से माइनस L तक होता है। ओके, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें इसमें पता चलते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, और इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो n स्क्वायर के बराबर होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज किसके बराबर होती हैं, n स्क्वायर के बराबर, जिसको मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूं। अब देखिए, अगर हमें l पता होगा, अगर मुझे l पता है और l की वैल्यू मान लीजिए जीरो है, तो मैंने आपसे ये कहा कि जो m की वैल्यूज होती हैं वो कितनी होती हैं, प्लस l से माइनस l तक। तो यहां पर m की वैल्यू कितनी होगी, जीरो ही होगी। ओके, लेकिन अगर l की वैल्यू वन है तो देखिए प्लस l से, तो जो m की वैल्यू है वो कितनी होगी, प्लस वन और जीरो और माइनस वन, कहां से, प्लस एल से माइनस एल तक। तो ये कितनी वैल्यूज आई, तीन वैल्यूज। ओके, ये कितनी वैल्यू है, थ्री वैल्यू, और ये कितनी वैल्यू है, वन वैल्यू। अब देखते हैं अगर मुझे एन पता होगा, देखिए अगर मुझे एन पता है, एन इज इक्वल टू वन है, मान लीजिए वन है, तो L की वैल्यू कितनी होगी, केवल एक होगी, वो जीरो होगी। ठीक है, M की वैल्यू कितनी पॉसिबल होगी, केवल एक पॉसिबल होगी, वो होगी जीरो। अगर n इज इक्वल टू टू होगा तो l की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, जीरो पॉसिबल है और वन पॉसिबल है। तो अब m की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, फॉर दिस क्या हो जाएगी, जीरो, और इसके लिए क्या हो जाएगी, प्लस वन
जीरो एंड माइनस वन, तो क्योंकि ये प्लस एल से माइनस एल तक होती है, तो ये कितनी वैल्यूज हो गई, फोर वैल्यूज. ओके, एन इज इक्वल टू टू मतलब एल शेल, एन इज इक्वल टू वन मतलब के शेल. तो अगर के शेल होगा तो केवल एक वैल्यू पॉसिबल है एम की, और एम की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपसे कहा एन स्क्वायर, एन कितना है वन, तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है वन. अगर मैं n इज इक्वल टू टू देखूं l की वैल्यू, सो यू विल फाइंड दैट n स्क्वायर विल इक्वल्स टू कितना होगा, फोर, फोर होगा. कितनी वैल्यू पॉसिबल है m की, फोर वैल्यू, वन टू थ्री एंड फोर, चार वैल्यूज पॉसिबल है. तो मैं कहीं से भी अगर मुझे कोई कहे कि n इज इक्वल टू थ्री है, तो मैं आसानी से कह दूं कि m की वैल्यूज कितनी पॉसिबल है, नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, एन स्क्वायर. ओके, तो नाइन वैल्यू कैसे पॉसिबल होंगी, देखिए n इज इक्वल टू थ्री, so l will equals to 0, 1 and 2. okay, so m की वैल्यू क्या होगी, देखिए इसके लिए 0 होगी, इसके लिए क्या होगी, प्लस 1, 0, माइनस 1, और इसके लिए क्या होगी, प्लस 2, प्लस 1, 0, माइनस 1 एंड माइनस 2. तो कितनी वैल्यूज हो गई आपके लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितनी वैल्यूज हो गई, 9. तो अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो m की पॉसिबल वैल्यूज कितनी आएंगी, 9. तो हमें मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है उससे हमें क्या पता चलता है, देखिए p ऑर्बिटल अगर मैं बनाऊं, p सबशेल अगर मैं बनाऊं, तो हमें पता लग जाएगा कि प्लस 1, 0, माइनस 1 इसकी m की वैल्यूज है. तो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है, एक जिसकी प्लस वन एम होगी, एक जिसकी जीरो होगी, एक जिसकी माइनस वन होगी. तो कितने ऑर्बिटल इसमें पॉसिबल है, थ्री. तो ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, जितनी एम की वैल्यू होगी. जैसे एस ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू जीरो होती है, मतलब एक ही ऑर्बिटल है. अगर मैं पी सब शेल की बात करूं तो देखिए वन टू थ्री, थ्री वैल्यूज है, मतलब थ्री ऑर्बिटल पॉसिबल है. और अगर मैं डी सब शेल की बात करूं तो पांच एल की वैल्यू, एम की वैल्यू पॉसिबल है, प्लस टू, प्लस वन, जीरो, माइनस वन, माइनस टू. तो इसका मतलब इसमें पांच ऑर्बिटल है. तो हमें एम से भी किसकी जानकारी मिलती है, कितनी ऑर्बिटल होंगी. ओके, और नेक्स्ट जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एस से या एम एस से दिखाते हैं. तो ये स्पिन क्वांटम नंबर है जो जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में जानकारी देता है. तो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन एन ऑर्बिटल, की उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, किस डायरेक्शन में वो स्पिन कर रहा है, क्योंकि वो अपनी एक्सिस के चारों ओर स्पिन करता है. एंड इट गिव्स द स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलोंग द स्पेसिफाइड एक्सिस. स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानकारी देता है, और एम एस की वैल्यू माइनस एस से प्लस एस तक होती है. आई विल गिव यू एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी. जैसे ये पी सबशेल है, यहां पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अगर हम देखें तो आप देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे अरेंज्ड है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐसे अरेंज करूं, तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे अपनी एक्सिस के चारों ओर ऐसे स्पिन कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के चारों ओर ऐसे स्पिन कर रहा है. ओके, तो ये जो स्पिन है इसको हम कहते हैं प्लस हाफ. अपर साइड में इसकी स्पिन है, और इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखेंगे तो लोअर साइड में स्पिन है, तो इसकी स्पिन क्या है, माइनस हाफ. तो अगर हम इसको प्लस हाफ मानते हैं, और इसको अगर हम एक पर्टिकुलर एक्सिस मान लीजिए जेड एक्सिस है, तो उसके चारों ओर ये किस स्पिन से स्पिन कर रहा है, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर हमें देता है. तो अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी स्पिन प्लस हाफ, या दूसरे की क्या होगी, माइनस हाफ. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल में, तो इनकी स्पिन सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, और इनकी स्पिन अपोजिट, दोनों की स्पिन नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है, या फिर एक की स्पिन अप डायरेक्शन में, एक की लोअर डायरेक्शन में भी हो सकती है. लेकिन अगर ये दोनों साथ होंगे तो ये एक की प्लस हाफ होगी, और दूसरे की स्पिन क्या होगी, माइनस हाफ होगी. तो ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर जानकारी देता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की स्पिन किस डायरेक्शन में है. इस टेबल में जानकारी दी गई है कि कैसे हम n की हेल्प से सेल, शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में होंगे वो भी हम बता सकते हैं. तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ये शो गई है, तो शेल कौन सा होगा, अगर 1 है तो k होगा, अगर 2 है तो l होगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो इट्स m, देन n, देन o एंड सो ऑन. ओके,
सबशेल्स कितने होंगे इसमें, जितने एन होंगे, जितना क्वांटम नंबर होगा उतने ही उसमें सबशेल होंगे। जैसे के है, अगर उसमें एक एन है तो उसमें एक ही सबशेल होगा। अगर एन की वैल्यू दो है तो उसमें दो सबशेल होंगे, अगर एन की वैल्यू थ्री है तो उसमें थ्री सबशेल होंगे, एंड सो ऑन। तो हमें एन अगर हमें पता होगा तो हमें सबशेल की जानकारी भी मिल जाएगी और हमें ऑर्बिटल्स की जानकारी भी मिलेगी। अगर हमें एन पता होगा तो हमें ऑर्बिटल्स की जानकारी भी मिलेगी। अगर हम एन स्क्वायर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस के शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, एक। एल शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, चार। और एन में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने होंगे, नौ। तो ये एक्चुअल में एम की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू से हमें पता चलता है कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर शेल में होंगे। तो आप देख सकते हैं कि एन की हेल्प से ही हमें इतनी सारी जानकारी मिल रही है। अगर हमें एन पता होगा तो हमें शेल पता होगा, हमें सब शेल पता होगा, हमें ऑर्बिटल्स पता होंगे, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता होंगे उस पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरीके से आपने देखा, अगर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क इसको दूं इस लेक्चर को, तो आपने ये देखा कि चार तरीके के क्वांटम नंबर्स थे और इन चार तरीके के क्वांटम नंबर से आपने देखा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमें पता चलता है इन एन एटम। तो अगर एन की वैल्यू हमें पता हो और अगर सारे एन की वैल्यू बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, शेल। सारे ऑर्बिटल्स की अगर सेम एन की वैल्यू हो तो उन सबको मिला के शेल बनता है। अगर सेम वैल्यू एन और एल की हो, एन भी सेम हो और एल भी सेम हो, तो वो क्या कहलाता है, सब शेल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं तो एन, एन की वैल्यू सेम है, मतलब 2s 2p, तो इनमें दोनों में एल की वैल्यू सेम है तो ये पूरा एक शेल है, ओके? अब मैं कहूं एन और एल की वैल्यू सेम हो, तो अगर मैं बात करूं 2p की, तो 2p एक्स है, 2p वाई है एंड 2p जेड है। तो देखिए इनकी एन की वैल्यू सेम है और एल की वैल्यू, अगर पी ऑर्बिटल है तो एल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो पी एक्स की भी एल की वैल्यू 1 है, पी वाई की भी 1 है और पी जेड की भी 1 है। तो एल की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू भी सबकी क्या है, 2 है। तो सेम वैल्यू एन की भी है, एल की भी है, तो ऐसे जो होंगे उनको हम सबशेल कहेंगे। और ऑर्बिटल किने कहेंगे, ऑर्बिटल हम कहेंगे कि जिसकी एन की वैल्यू, एल की वैल्यू और एम एल की वैल्यू बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें पी ऑर्बिटल को, तो देखिए ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है, ओके? तो यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए एम की वैल्यू होगी +1, यहां पर होगी 0, यहां पर होगी -1। अब ये मान लीजिए 2 इसकी n है, तो देखिए n की वैल्यू तो इन सब की क्या है, 2 है। l की वैल्यू इनकी क्या है, 1 है। और अगर इस पर्टिकुलर जगह की मैं बात करूं तो इसकी m की वैल्यू क्या है, +1। अगर यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक की अपवर्ड डायरेक्शन में स्पिन है, एक की लोअर डायरेक्शन में स्पिन है, तो दोनों की ही m की वैल्यू +1 होगी। यानी अगर n की वैल्यू भी बराबर है सबकी, देखिए l की वैल्यू भी बराबर है और m की वैल्यू भी बराबर है, तो वो क्या कहलाता है, ऑर्बिटल। तो ये एक ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल। तो हमें यहां से जानकारी मिलती है कि शेल में ऑर्बिटल्स जो होंगे उनके सबकी 2s और 2p की जो n की वैल्यू बराबर होगी, सब शेल में n और l की वैल्यू बराबर होगी और ऑर्बिटल्स में n, l और ml की वैल्यू बराबर होगी। और इससे हमें बहुत जानकारी मिलती है। आपने देखा कि शेल से ही हमें बहुत सारी, जो n है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उससे ही हमें बहुत अधिक जानकारी मिलती है। उससे हमें एनर्जी पता लगती है, रेडियस पता चलती है, उससे हमें ऑर्बिटल्स पता चल रहे हैं, सब शेल पता चल रहा है, शेल पता चल रहा है, उससे हमें पता चल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें तो आपको मैं सिंपल क्वेश्चंस अगर बताऊं, और अगर आपसे कहूं कि ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, और मैं कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2p ऑर्बिटल में है, उन इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स बताइए। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके? अब आप देखिए 2p3 की मैं बात कर रही हूँ, 2p3 का मतलब कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ओके? तो मैं अगर कहूँ कि n की वैल्यू क्या होगी, इसकी 2 होगी। क्या होगी n की वैल्यू, 2।
एल की वैल्यू अगर मुझसे कोई पूछे तो पी है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, क्योंकि एल की वैल्यू अगर जीरो होगी, वन होगी, टू होगी, तो ये हमें सब शेल के बारे में जानकारी देता है, ये एस है, ये पी है और ये डी है। ओके, तो ये एल इज इक्वल टू वन है इसका। और एम क्या होगा, देखिए एम ये तीन इलेक्ट्रॉन है तो एम में भी प्लस वन, दूसरे का होगा माइनस वन और एक का होगा जीरो। और अगर स्पिन पूछी जाए तो सबकी स्पिन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, अगर मैं इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाऊं तो सबकी स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ प्लस हाफ। एंड कि मुझे अगर किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं पूछी जाएं तो मैं इजीली इसको बता सकती हूँ। तो अगर मुझे किसी भी कन्फिग्रेशन की अगर मुझसे कहा जाए कि 2px1 है तो इसकी चारों क्वांटम नंबर बताओ, तो देखिए n इज इक्वल टू टू, एल इज इक्वल टू वन, एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं कह सकती हूँ कि या तो इसकी स्पिन प्लस हाफ है या इसकी स्पिन माइनस हाफ है। और एम की वैल्यू इसकी कुछ भी हो सकती है, इट मे बी प्लस वन और जीरो और माइनस वन, तो इनमें से कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो इस तरीके से मैं किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर सकती हूँ। अब देखिए अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट, इनमें से कौन से ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं और कौन से नहीं करते, तो उसको मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1D की बात करूं तो यहां पर देखिए n इज इक्वल टू क्या है, 1 है, l इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो l की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, 1, तो 0 पॉसिबल होगी, यानी क्या d पॉसिबल है, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2, तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। अगर मुझसे कोई कहे कि 2p ऑर्बिटल क्या पॉसिबल है, n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 2 है, और l इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो n इज इक्वल टू 2 अगर होगा तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो ये s ऑर्बिटल हो सकता है या ये p ऑर्बिटल हो सकता है, तो यस इट मे बी पॉसिबल। अगर n, अगर ये देखिए अगर मैं 3f की बात करूं तो 3f के केस में अगर आप देखेंगे n इज इक्वल टू कितना है, 3 है, और l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, 0 पॉसिबल होगी, 1 पॉसिबल होगी, 2 पॉसिबल होगी। अगर 0 होगी तो ये s ऑर्बिटल होगा, अगर 1 होगी तो ये p ऑर्बिटल होगा, अगर 2 होगी तो ये d ऑर्बिटल होगा। तो s हो सकता है, p हो सकता है, d हो सकता है, लेकिन ये f नहीं हो सकता, सो दिस ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर मैं 4d की बात करूं तो 4d इलेक्ट्रॉन को अगर मैं देखूं तो n इज इक्वल टू कितना है, 4 है, l इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यस s ऑर्बिटल हो सकता है, p हो सकता है, d हो सकता है, f हो सकता है, सो d हो सकता है, सो दिस ऑर्बिटल एग्जिस्ट। सो आप देखेंगे कि 1d पॉसिबल नहीं है और और क्या पॉसिबल नहीं है, 3f पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप देखिए आपको सबशेल को आइडेंटिफाई करना है। अगर n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो 2, और अगर l इज इक्वल टू 1 है तो ये कौन सा सबशेल है, 2p। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो 4, l इज इक्वल टू 2 है तो ये क्या है, d है। अगर n इज इक्वल टू 6 है तो 6 है, l इज इक्वल टू 0 है तो s। तो आप आसानी से सबशेल के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हो सकते हैं, क्वांटम नंबर से रिलेटेड, और इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स कैसे हेल्पफुल हैं इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजिशन बताने के लिए, और ये भी बता देते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल कौन सा होगा। तो ये एड्रेस बताते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक एटम के अंदर एड्रेस बताते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। ये आपने देखा क्वांटम नंबर्स के बारे में था, सो आई थिंक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द क्वांटम नंबर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू।